टू एवरीवन। आज के अभी के लेक्चर में जो पार्ट कवर करेंगे वो आईएमपीएस और दूसरा जो टॉपिक कवर करना है वो है स्विफ्ट की। अगर मुझे विद इन नेशन कंट्री को नेशन में कंट्री में मनी ट्रांसफर करना है तो तीन पेमेंट सिस्टम है आईएफएससी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। बट अगर मुझे किसी विदेशी किसी आउटसाइड कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना हो तो फिर मैं किस पेमेंट सिस्टम का यूज करूंगा, तो उसके लिए आंसर है स्विफ्ट कोड। मुझे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि आईएमपीएस हमारा दो तरीके से हो सकता है, आईएफएससी प्लस अकाउंट, और सेकेंड जो हो सकता है थ्रू द आई मोबाइल यानी कि किसी मोबाइल वॉलेट। ठीक है, तो जब मैं आईएफएससी नंबर जो 11 डिजिट का है प्लस अकाउंट को यूज करूंगा तो मिनिमम अमाउंट नो लिमिट, मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर मैक्सिमम की बात करूं तो ये याद रखिएगा द मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख। जब मैं आईएफएससी में अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड को यूज करूंगा तो देयर इज नो मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट है दैट इज द 2 लाख। एंड जब मैं आई मोबाइल को यूज करूंगा तो ये याद रखिएगा देन यू नीड 7 डिजिट कोड व्हेन यू यूज आईएमपीएस थ्रू द आई मोबाइल मोबाइल वॉलेट, देन यू नीड 7 डिजिट कोड दैट इज कॉल्ड MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर मनी थ्रू द मोबाइल वॉलेट इन आईएमपीएस यू नीड अ 7 डिजिट कोड। इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, इट इज इंस्टेंट जनरेट बाय द आरबीआई। यू नीड टू शेयर दिस नंबर विद द पे दैट इज द MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो अगर मैं आई मोबाइल से मनी ट्रांसफर करने जा रहा हूं तो मिनिमम अमाउंट में देयर इज नो लिमिट एंड मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा दैट इज द 50,000। ठीक है, अगर मैं आई मोबाइल के थ्रू करने जाऊंगा देयर इज द नो लिमिट और मैक्सिमम में देयर इज द 50,000। अब बात करते हैं देयर इज एनी चार्जेस व्हेन यू ट्रांसफर मनी थ्रू द NEFT IMPS एंड RTGS। तो आंसर है यस, बट द चार्जेस इम्पोज ऑन द आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, द चार्जेस इम्पोज ऑन द आउटवर्ड ट्रांजेक्शन नॉट ऑन द इनवर्ड ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर मैं पैसा ट्रांसफर करने जा रहा हूं तो चार्ज मुझ पर इम्पोज होंगे, मेरे अमाउंट से डिडक्ट होंगे, ना कि जो पैसा रिसीव करने जा रहा है। तो इनवर्ड रिसीव पर कोई अमाउंट चार्जेस नहीं होगा, बट आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में देयर इज अ चार्जेस डिपेंड ऑन द अमाउंट। तो अगर जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अप टू 10,000 करने जा रहा हूं अंडर द NEFT दैट इज द 2% प्लस सर्विस टैक्स। तो ये याद रखिएगा जो चार्जेस है दे आर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट इज इम्पोर्ड ऑन द आउटवर्ड ट्रांजेक्शन द पर्सन हु ट्रांसफर द मनी, इट इज नॉट इम्पोज ऑन द इनवर्ड ट्रांजेक्शन द पर्सन हु रिसीव द मनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट का इतना आइडिया क्लियर है कि ये एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। जब मुझे इंटरनेशनल आउटसाइड कंट्री मनी को ट्रांसफर करना होगा तो मुझे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर द इंटरनेशनल मनी ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट यूज विद इन द कंट्री मनी ट्रांजेक्शन। विद इन द कंट्री देर आर 3 पेमेंट सिस्टम RTGS, IMPS एंड NEFT, बट इट इज यूज फॉर द इंटरनेशनल मनी ट्रांजेक्शन। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड 8 और 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड।
11 और 8 अल्फा न्यूमेरिक कोड। ये याद रखिएगा, ये या तो 8 का हो सकता है या 11 का। आईएफएससी कोड होगा 11 का, एमएमआईडी जो होगा वो 7 का। तो पहले तो स्विफ्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1973 और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बेल्जियम। एस्टेब्लिशमेंट है 1973 और हेडक्वार्टर है बेल्जियम और फुल फॉर्म है इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब ये देखते हैं कि ये 8 डिजिट क्या होंगे। तो जो फर्स्ट 4 डिजिट होंगे आउट ऑफ द 8, दे रिप्रेजेंट द बैंक नेम। 8 में से जो पहले 4 होंगे दे रिप्रेजेंट द बैंक नेम। जो मिडिल के 2 होंगे दे रिप्रेजेंट कंट्री कोड। ये याद रखिएगा, बिगिनिंग के 8 में से जो 4 होंगे दे रिप्रेजेंट द बैंक नेम। जो नेक्स्ट 2 डिजिट होंगे दे रिप्रेजेंट द कंट्री कोड और लास्ट के जो 2 होंगे रिप्रेजेंट बैंक हेडक्वार्टर लोकेशन। ठीक है, फर्स्ट 4 रिप्रेजेंट बैंक नेम, मिडिल 2 रिप्रेजेंट कंट्री कोड, लास्ट 2 रिप्रेजेंट बैंक हेडक्वार्टर लोकेशन। अब अगर 8 और 11 में मैं डिफरेंस लूं तो डिफरेंस कितने का आया? 3, क्योंकि जो स्विफ्ट हो सकता है वह या तो 8 का या 11 का। तो 8 तो हमने कंप्लीट कर लिया कि जो 4 होगा वो बैंक नेम, 2 कंट्री कोड और लास्ट 2 बैंक हेडक्वार्टर लोकेशन, बट जो डिफरेंस दिया वो 3। तो ये याद रखिएगा, दीज आर द ऑप्शनल डिजिट, दीज आर द ऑप्शनल डिजिट दैट रिप्रेजेंट बैंक ब्रांच लोकेशन कोड। दीज 3 ऑप्शनल डिजिट रिप्रेजेंट द बैंक ब्रांच लोकेशन कोड। ठीक है, तो ये जो हमारा था वो स्विफ्ट था, एस्टेब्लिशमेंट 73 है, हेडक्वार्टर बेल्जियम है और ये जो सॉफ्टवेयर यूज होगा दैट इज यूज फॉर द इंटरनेशनल मनी ट्रांजेक्शन। एंड फॉर द इंटरनेशनल मनी ट्रांजेक्शन स्विफ्ट प्रोवाइड 8 और 11 डिजिट कोड। कभी कभी इसको हम एक और नेम देते हैं, स्विफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड BIC। BIC का मीनिंग है बैंक आइडेंटिफायर कोड। ये भी याद रखिएगा, तो अगर स्विफ्ट कोड पूछता है तो भी 8 और 11 टिक करना है और अगर BIC नेम देता है बैंक आइडेंटिफायर कोड तो भी हमने 8 और 11 याद रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा था दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ RBI, जिसमें हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कवर किया, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, फिर उसके हमने जितने भी 2 ट्रेनिंग सेंटर्स, 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट, 3 फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI, फिर ये जो पार्ट था हमारा BFS और BPSS, जिसमें हमने NEFT, RTGS, IMPS और लास्ट में वो टॉपिक कवर किया हमने दैट इज द स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट द RBI मॉनेटरी पॉलिसी। तो आई होप कि आप वो लोग वो जो लेक्चर्स होंगे डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे एंड आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो या करंट पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।